वेलकम एट क्लास स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्टिंग न्यू चैप्टर ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। बच्चों, ये चैप्टर आपका हिस्ट्री का है, जिसमें कि ये बताया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे ट्रेड करने आई थी हमारे इंडिया में और कैसे अपना साम्राज्य यहाँ पर स्थापित कर लिया। ऑल राइट एट क्लास, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स। औरंगजेब, जो आप जानते हैं बच्चों, हमारे इंडिया में पहले मुगल साम्राज्य था, मुगल राज्य जो स्थापित था मुगल राजाओं का, और वो बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे। पूरी डायनेस्टीज जो थी उनने अपनी फैला रखी थी भारतवर्ष में। तो जो औरंगजेब था वो लास्ट एम्परर था जो कि शक्तिशाली था मुगलों में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद ऐसा शक्तिशाली, मुगलों का साम्राज्य तो रहा बट ऐसा कोई शक्तिशाली राजा नहीं रह गया जो अच्छे से अपने जो डायनेस्टी की रक्षा कर सके। ऐसा शक्तिशाली राजा कोई नहीं था। औरंगजेब जो था लास्ट ऐसा पावरफुल मुगल रूलर्स था। ही एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर अ वेरी लास्ट पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज नोन एज इंडिया। इंडिया के रूप में जाना जाता है। उसने चारों तरफ अपना साम्राज्य बहुत लार्ज स्केल पे जमा रखा था और इसकी रक्षा भी बहुत अच्छे से करता था बिकॉज वो बहुत पावरफुल राजा था। आफ्टर हिज डेथ, उसकी डेथ के बाद इन 1707 में मैनी मुगल गवर्नर्स जो थे, सूबेदार जो होते थे एंड बिग जमींदार्स बिगेन एसर्टिंग देयर अथॉरिटी एंड एस्टेब्लिशिंग रीजनल किंगडम्स। उसकी मृत्यु के बाद में जो सूबेदार, जिनको किसी एक छोटे से क्षेत्र की देखरेख के लिए रखा जाता है, जमीन उनको बांट दी जाती है कि इतनी ज़मीन का आप टैक्स लोगे और गवर्नमेंट को सबमिट करोगे, और कुछ बड़े बड़े ज़मींदार जिनको जिनके पास ज़मीनें थी, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे और वो अपनी ज़मीन पर टैक्स लेके राजा को देते थे। तो ऐसे ज़मींदार और सूबेदार ने अपना औरंगजेब की मृत्यु के बाद उन ज़मीनों पर खुद का अधिकार जमाना शुरू कर दिया और अपने अपने छोटे छोटे रीजनल जो हैं उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनानी शुरू कर दी। एक बड़ा किंगडम था उनका तो औरंगजेब का। तो औरंगजेब के बाद में मुगल साम्राज्य जो है ऐसी छोटी छोटी रियासतों में बंटना शुरू हो गया। उनकी ताकतें सूबेदार की, ज़मींदारों की ताकतें बढ़ने लग गई। एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स एमर्ज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, छोटी छोटी रियासतों में बट गया इतना बड़ा जो इंडिया का साम्राज्य था, जो मुगल साम्राज्य है जिस पे स्थापित था। दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर। दिल्ली में जो साम्राज्य था पूरा, उनकी राजधानी थी मुगलों की, वो इतना अफेक्टेड, इतना प्रभावशाली नहीं रहा जहाँ से कि राजा की एक आवाज़ से पूरा जो इंडिया इकट्ठा हो जाता था, उनका पूरा एक साम्राज्य स्थापित था। क्योंकि छोटी छोटी रियासतों में अलग अलग जगह जो है रियासतें पैदा हो गई थी, राजा पैदा हो गए थे, जमींदार अपने आप को उन्होंने राजा घोषित कर दिया था, है ना, सूबेदारों ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया था, क्षेत्रिक राजा बन गए थे वो लोग। बाय द सेकेंड हाफ ऑन 18th सेंचुरी के हाफ में हाउ वेरी न्यू पावर वॉज एमर्जिंग ऑन द पॉलिटिकल होरिजन द ब्रिटिश। 18वीं शताब्दी के मध्य में एक नई शक्ति उभर कर आई ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स वैसे तो 16वीं सेंचुरी में आ गए थे बच्चों, बट उनकी जब मुगल साम्राज्य वीक होना शुरू हो गया तो वो अपनी शक्ति से उभर कर आए। ब्रिटिशर्स ने अपनी शक्ति दिखाना शुरू किया। डिड यू नो दैट द ब्रिटिशर ओरिजिनली केम एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी एंड वर रिलक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज। वो जो है, आप जानते हैं जो ब्रिटिशर्स थे, एक छोटे से जो है व्यापार करने के रूप में इंडिया में आए थे। ट्रेडिंग कंपनी थी, एक व्यापारिक कंपनी थी, और उनका कोई ऐसा जो मन नहीं था कि वो यहाँ पर अपने कोई साम्राज्य बसाएं या टेरिटरीज बसाएं। वो तो बस हाउ देन डिड दे कम टू बी मास्टर ऑफ वास्ट एम्पायर, और फिर वो कैसे इतने बड़े साम्राज्य के मालिक बन गए, है ना। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम अबाउट, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब इस चैप्टर में जानने को बच्चे वही मिलेगा
कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में सिर्फ व्यापारिक कंपनी के रूप में आई थी और उनका कोई औचित्य नहीं था कि वो यहाँ पर अपना साम्राज्य जमाए, और फिर वो देखते ही देखते पूरे जो भारतवर्ष के अधिकारी बन गए, उन्होंने अपने अंडर में ले लिया पूरा साम्राज्य। तो ये कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब हमें इस चैप्टर से पता चलेगा। देखिए, एक आपको इसमें जो है फोटो दिखाई गई है, बहादुर शाह जफर एंड हिज सन्स बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन होड्स। जो बहादुर शाह जफर थे वो औरंगजेब के मरने के बाद में उनके उत्तराधिकारी थे और वहाँ के शासक जो कि बहुत कमज़ोर थे, है ना। तो उनके जो उनका बेटा था, उनके बेटों को कैसे जो अंग्रेजी सरकार अपने कब्जे में ले लेती है, उनको अरेस्ट कर लेती है, बिकॉज अंग्रेजी सरकार का दबदबा ज़्यादा हो गया था और मुग़ल साम्राज्य जो है वीक हो गया था। After Aurangzeb, there was no powerful Mughal ruler, but Mughal emperors continued to symbolically important. वो बहुत important थे बिकॉज बहुत बड़ा साम्राज्य रहा था पहले मुग़लों का। औरंगजेब के बाद कोई शक्तिशाली राजा तो नहीं था, बट वो बहुत important थे, उनका साम्राज्य स्थापित था। उनको साम्राज्य नहीं हटता तो अंग्रेज जो ब्रिटिशर्स जो आए थे वो अपना साम्राज्य यहाँ पर स्थापित कर ही नहीं सकते थे। In fact, when a massive rebellion against British rule broke out in 1857, Bahadur Shah Jafar, the Mughal emperor at the time, was seen as the natural leader. बहादुर शाह जफर ने 1857 का जो युद्ध हुआ, ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे वहाँ पर साम्राज्य जब जमाना शुरू कर दिया था, और जब 1857 में सारा भारत जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़ा हुआ, तो उस टाइम पे मुग़ल साम्राज्य का जो एम्परर था बहादुर शाह जफर, उसका उसकी ताकत देखने को सामने आई और कंपनी से सीधा उसने पंगा लिया। द कंपनी बहादुर शाह जफर वॉज फोर्स टू लीव द किंगडम। और उस टाइम पे उसकी पावर कुछ काम नहीं आई बहादुर शाह जफर की, और उस पर दबाव डाला गया कि वो अपनी गद्दी को छोड़ दे और सारा साम्राज्य ब्रिटिशर्स को सौंप दे। और उसके जो बेटे थे शॉट इन कोल्ड ब्लड, और उसके बेटे भी जो है मार दिए गए बिना किसी जो है भावना के, बिना बहुत क्रूएल तरीके से उसके बेटों को मार दिया गया। इस तरह ब्रिटिशर्स ने अपना साम्राज्य जो है स्थापित किया। अब इधर आते हैं बच्चों, देखिए ये तो आपने बहादुर शाह जफर का और ब्रिटिशर्स का जो बंदी बना लिए गए थे बहादुर शाह जफर, ये सब देखा। अब देखते हैं कि कैसे वो जो थे ब्रिटिशर्स पूरे उत्तराधिकारी बन गए पूरे भारतवर्ष के। ये देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, ईस्ट से पूर्व से ईस्ट इंडिया कंपनी आई और सीधे ये देखिए भारत है, जैसे वर्ल्ड के उसमें ये ब्रिटिश लैंड है ना, यहाँ ब्रिटिश ये इंग्लैंड से यहाँ सीधे हिंद महासागर से होते हुए आई और इधर से मद्रास, बॉम्बे, है ना, कैलकटा, यहाँ पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। इन 16th सेंचुरी द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड ए चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उसने एक अपना चार्टर बनवा लिया, एक अपना दस्तावेज बनवा लिया इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से। वहाँ पर उस टाइम महारानी हुआ करती थी इंग्लैंड की, क्वीन एलिजाबेथ, उससे इजाज़त ले ली कि भाई हम ट्रेड करने जाएंगे ईस्ट में, जो पूर्व का देश है जैसे अपना भारत है, वहाँ पर व्यापार करने जाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। और इसी तरह ब्रिटेन में अगर हमारी कंपनी वहाँ पे व्यापार करती है तो ब्रिटेन की कोई दूसरी कंपनी हमारी प्रतिस्पर्धा नहीं करेगी, कंपैरिजन हमारा नहीं करेगी, कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेगी, ओनली हमारी जो गवर्नमेंट की तरफ से कंपनी है वही जाके भारत में जो है व्यापार करेगी। दिस मीन्स दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी विद। तो इस एलिजाबेथ ने उनको इजाज़त दे दी, तो इसका मतलब ये हुआ उनके कंपटीशन में कोई दूसरी ट्रेडिंग कंपनी इंग्लैंड की भारत में जाके व्यापार नहीं करेगी, ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी जिससे कि उसे अच्छा मुनाफा हो सके और मनचाहा व्यापार वहाँ पे जाके कर सके। विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशंस लुकिंग फॉर न्यू लैंड
from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at a higher price. इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्व के देशों में जाना उसने शुरू किया और नए नए रास्ते बनाते हुए वो देशों अलग अलग देशों में प्रवेश करती गई और वहाँ से बहुत सस्ती मंदी चीज़ खरीद के यूरोपियन जो कंट्रीज थी उनमें जो है गुड्स जो हाई प्राइस में उनको बेचा, जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी फ़ायदा हुआ। वो पूरा मेन इंडिया में आने के लिए उसने चार्टर बनवाया था और इस तरह से आते आते रास्ते में उसने बहुत सारी कंट्रीज से जो है नए नए रास्ते खोजे और वहाँ से सस्ती सस्ती चीज़ें खरीद के यूरोप की कंट्रियों में सेल की। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। कंपनी को ये डर तो था ही नहीं कि दूसरी कंपनी आएगी हमसे कंपटीशन करेगी, हमसे महंगा या हमसे सस्ता कोई सामान बेचेगी और हमारे सामान की कीमत गिर जाएगी। उसे ऐसा कुछ भी डर नहीं था। तो मर्केंटाइल मीन्स जो मर्चेंट होते थे, मर्चेंट को उस टाइम मर्केंटाइल लैंग्वेज हुआ करती थी। ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरली बाय एक्सक्लूडिंग कॉम्पिटिशन। मर्केंटाइल जो थे, बिजनेसमैन जो थे, मर्चेंट्स जो थे, उनका मेन पर्पस क्या होता था कि बिजनेस में अपना जो बिना कॉम्पिटिशन के बहुत अपना बिजनेस बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेना, सो दैट दे कुड बाय चीप एंड सेल डियर। और वो ऐसे ही सस्ते दामों में सामान खरीदते थे और महंगे दामों में बेच देते थे। यही उनका जो है बिजनेस हुआ करता था। देखिए इसमें डेफिनेशन ही बच्चों दी गई है, ए बिजनेस एंटरप्राइज दैट मेक्स प्रॉफिट प्राइमरी थ्रू द ट्रेड बाइंग गुड्स चीप एंड सेलिंग देम एट हायर प्राइस। ऐसा बिजनेस जिसमें कोई चीज़ प्रॉफिट के लिए जो है खरीदी बेची जाती है, महंगे दामों में बेची जाती है और सस्ते दामों में खरीदी जाती है, इसी को मर्केंटाइल बोलते हैं। द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट। से जो पूर्व के देशों का जो बाजार था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा चार्टर तो बना लिया था महारानी एलिजाबेथ से कि कोई दूसरी ब्रिटेन कंपनी वहाँ पर नहीं जाएगी, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही वहाँ पर व्यापार करेगी पूर्व के देशों में। बट दूसरी यूरोपियन जो लोग थे उनके लोगों ने आके पूर्व के देशों में मार्केट में अपना सामान खरीदना और बेचना शुरू कर दिया, उनको ब्रिटिश कंपनी नहीं रोक पाई। बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट अफ्रीका, अफ्रीका की खोज जो थी, जो इंग्लिश शिप थी सेल, उसने उस टाइम पे उसकी अफ्रीका से भी कुछ कंट्री कुछ जो लोग आए शिप के जरिए, समुद्र के जरिए राउंड द केप ऑफ गुड होप, गुड होप होते हुए जब तक ब्रिटिशर्स पहुंचते, अफ्रीका के कुछ व्यापार जो है पूर्व के देशों में पहुंच गए एंड क्रॉस द इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन से होते हुए, हिंद महासागर से होते हुए अफ्रीका के कुछ व्यापारिक लोग केप गुड होते हुए पूर्व के देशों में पहुंच गए, इंडिया होते इंडिया पहुंच गए, इससे पहले कि ईस्टर्न इंडिया कंपनी वहां पर अपना व्यापार शुरू कर पाती। द पोर्तुगीज़ हैड ऑलरेडी एस्टेब्लिश देयर प्रेजेंस इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में जो पोर्तुगीज थे वो पहले ही आ चुके थे, वहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके थे पश्चिम देशों में एंड हैड देयर बेस इन गोवा। उनका बेस क्या था पश्चिम में, गोवा, गोवा के क्षेत्रों में वो पुर्तगालीज थे, वो पहले ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके थे। इनफैक्ट इट वॉज वास्को डी गामा, ए पुर्तगीज एक्सप्लोरर हु हैड डिस्कवर्ड दिस सी रूट इन इंडिया इन 1498। इससे सबसे पहले तो पुर्तगीज का वैसे इंडिया में जिसने प्रवेश किया था और हिंद महासागर के जरिए जो रास्ता उसने खोजा था वास्को डी गामा, वास्को डी गामा ने ही 1498 में ये हिंद महासागर का रास्ता खोजा था इंडिया तक जाने का, और वही सबसे बड़ा डिस्कवर था उस टाइम पे जिसने ये रास्ता खोज कर दिया था। बाय द अर्ली 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के शुरुआत में द डच टू वर एक्सप्लोरिंग द पब्लिशिंग पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रेड इन इंडियन ओशन, सून फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव ऑन द सीन। और डच लोग भी इस टाइम पे इंडिया में अपना बिजनेस शुरू कर चुके थे करने आए, और फ्रेंच ट्रेडर्स भी अपना जो व्यापारिक थे
फ्रेंच के, वो भी अपना व्यापार यहाँ पे करने आए। सब लोग यहाँ से, यहाँ पर बहुत जो वस्तुएं बहुत महंगी, ऐसी कॉस्टली वस्तुएं जो बहुत सस्ते दामों में मिल जाती थी, बिकॉज स्पाइसेस हैं, क्लोथ्स हैं, है ना, जैसे कॉटन है, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि यूरोपियन कंट्री में ग्रो नहीं हो सकती थी, अपनी इंडिया में ही ग्रो होती थी, ये बहुत यहाँ से सस्ते में प्राप्त हो जाती थी और वो अपनी कंट्रीज़ में जाके महंगे में बेच देते थे। तो इस वजह से सभी लोगों का जो इंटरेस्ट था इंडिया में व्यापार करने का स्टार्टिंग से ही रहा था। द प्रॉब्लम वॉज दैट ऑल कंपनीज वर इंटरेस्टिंग बाय द सेम थिंग्स। ये प्रॉब्लम थी कि सभी लोग एक जैसी चीज़ खरीदना चाहते थे, मीन्स कंपिटिशन इंडिया की मार्केट में बहुत बढ़ गया था। द फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया, जो अच्छी क्वालिटी की कॉटन और सिल्क जो इंडिया की मार्केट में ही बिकती थी और मिलती थी, हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप, और बिग मार्केट जो यूरोप की महंगी जो मार्केट में जाके बिक जाती थी महंगे दामों में। पीपर क्लोव्स लॉन्ग, पीपर क्लोव्स कार्डमम एंड सिनामोन टू वर इन ग्रेट डिमांड। लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, ये सब चीज़ों की डिमांड जो थी यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा थी। कंपटीशन अमंगस द यूरोपियन कंपनीज इनविटेबली पुश्ड अप प्राइजेस एट विच दिस गुड्स कुड बी परचेज्ड। इनमें जो कॉम्पिटिशन था वो टफ हो गया था और मुनाफा मिलना कम हो गया था, बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा था, एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट दैट कुड बी अर्न। जो वो प्रॉफिट कमाते वो तो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा था, बिकॉज कॉम्पिटिशन में सभी जो कंपनीज थी यूरोपियन कंपनीज बहुत सारी आ गई थी। द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लॉरिश वॉज बाय एलमाइटिंग रिवाइवल द कॉम्पिटिशन। ट्रेडिंग कंपनीज में जो ईस्ट इंडिया का जो कंपनीज थी, जो सभी व्यापारी कंपनीज थी, अपने आप को एक दूसरे से आगे बढ़ाने की होड़ में लगी हुई थी। द अर्ज टू सिक्योर द मार्केट देयर फॉर लेट टू फोर्स बैटल बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज। और ये सब जो आपस में उनकी अभद्रता बढ़ती चली जा रही थी और आपस में एक दूसरे को रोकने के लिए, एक दूसरे ट्रेडर्स ट्रेडिंग कंपनी को रोकने के लिए में जो है लड़ाइयाँ शुरू हो गई, बैटल शुरू हो गई, और ये सब जो था किस लिए था, इंडिया के मार्केट में व्यापार करने के कंपटीशन के कारण। थ्रू द 17th and 18th century दे रेगुलरली सैंक ईच अदर शिप्स ब्लॉक एंड द ब्लॉकड रूट्स। और 17th और 18th century में तो इतना कंपटीशन हुआ सब कंपनीज में कि वो लोग जब शिप से आते थे, महासागर से आते हुए एक दूसरे को जहाज को ही डुबो देते थे और हथियारों के जरिए एक दूसरे को मार डालते थे। उन लोगों में कंपटीशन इतना बढ़ गया, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपना अच्छा व्यापार करने के लिए वो लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। एंड प्रिवेंटेड रेवल शिप्स फ्रॉम मूविंग एंड सप्लाइज ऑफ गुड्स, और अच्छे दामों पे वहाँ पे एक दूसरे के जहाज को डुबो के और वहाँ से चीज़ें खरीद के, इंडिया से चीज़ें खरीद के अपनी यूरोपियन जो कंट्रीज़ में बेचने की होड़ में वो लोग ऐसा करते थे। ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशंस। ये सब व्यापार जो है हथियारों के जोर पे चल रहा था, अपने को सुरक्षित रखने का सिर्फ यही तरीका था कि एक दूसरे को मार डालो और जो है व्यापार करो इंडिया में आके, उन लोगों की ये नीति बन गई थी। दिस एफर्ट्स टू फोर्टिफाइड सेटलमेंट एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑल्सो लेड टू इंटेंस कंफ्लिक्ट विद लोकल रूलर्स। और जब ये कॉम्पिटिशन जो था ट्रेडिंग कंपनी में बढ़ा, यूरोपियन कंट्रीज़ में आपस में ट्रेडिंग जो संस्थाएं थी उनकी इंस्टीट्यूशंस से उनमें बढ़ा आपस में, तो इसका सीधा असर जो है इंडिया के जो रूलर्स थे उनमें आपस में लड़ाई होने लग गई। बिकॉज इंडिया में वो लोग व्यापार करने आते थे, अपनी चीज़ें यहाँ से खरीद लेते थे, जो बहुत सस्ते दामों में यहाँ की मार्केट से चीज़ें खरीदते थे, और यहाँ की मार्केट जो है बिल्कुल
स्लो होती जा रही थी और यहाँ का माल ज़्यादा बिक नहीं पाता था, उनको पूरे प्रॉफिट नहीं मिल पाता था और राजाओं को पूरा कर नहीं मिल पाता था। द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। इस पॉलिटिक्स से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने आप को सेपरेट नहीं रख सकी, वो अपने आप को नहीं बचा पा रही थी। यूरोप की बहुत सारी जो ट्रेडिंग कंपनी थी वहाँ व्यापार करने आती थी, उनसे उनका जो बैटल चलती रहती थी, तो इसे कैसे सेपरेट करा जाए, ये लेट अस सी हाउ दिस हैपेंड। और फिर उन्होंने कैसे ईस्ट इंडिया ने अपने आप को सेपरेट किया, ये सब हम पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इसको रीड करिएगा पूरा, ये देखिएगा ये मैप दिया हुआ है कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, ठीक है, ये बहादुर शाह जफर का, इसको पूरा अच्छे से रीड करिएगा।